हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एनीमिया या आप कह सकते हैं खून की कमी के विषय पर है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त श्वेत एवं लाल कणों के द्वारा बनता है। इनकी संख्या 45 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर में होती है। जब इनकी संख्या कम होने लगती है और हीमोग्लोबिन भी कम होता है, उसी अवस्था को हम अरक्तता या एनीमिया कहते हैं। साधारण स्वास्थ्य शरीर में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 सीसी रक्त में पाया जाता है। रक्त की कमी के मुख्य लक्षण होते हैं हाथ पैर, नाखून, जीभ या आंखें पीले रंग के हो जाते हैं, भूख की कमी, दुर्बलता, कमजोरी, थकावट या थोड़ा सा कार्य करने पर सांस फूलना, यही खून की कमी के मुख्य लक्षण होते हैं। एनीमिया का मुख्य कारण है शरीर में आयरन की कमी होना, भोजन में आयरन युक्त पदार्थों की कमी आदि, या खूनी बवासीर। इन्हीं कारणों से एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। आज हम आपको इसे दूर करने के कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय बताएंगे। सबसे पहले तो पिसी हुई हल्दी 6 ग्राम को मट्ठे में मिलाकर सेवन करने से एक हफ्ते में इस रोग से लाभ मिलता है। फिटकरी का फूला 2 चुटकी प्रति दिन गाय के दूध के दही में मिलाकर एक सप्ताह तक आपको इसका सेवन करें। इस रोग में रोग के मुख्य कारण को जानना आवश्यक है तथा उसकी चिकित्सा के साथ भोजन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। एनीमिया के रोगी को दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा दूध पीने के लिए दें। लाल टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें। भोजन ताज़ा व हल्का संतुलित व गर्म होना चाहिए। इन्हीं छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप एनीमिया की कमी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।